हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग का टाइम है और हर्षिता के लिए टिफ़िन तैयार कर दिया है मैंने। एक बिस्किट रखा है, दो टॉफ़ीज़ और एक लड्डू, ये सब आइटम मीठे में हो गया। फूड ब्रेक के लिए एप्पल को पैक कर दिया है और मेन टिफ़िन के लिए मैंने बनाया आलू का पराठा। हर्षिता को आलू का पराठा बहुत पसंद है और सुबह सुबह पराठा, आजकल ठंड भी आ गई है तो बनाना अच्छा भी लगता है और बच्चों को स्कूल में खाना भी अच्छा लगता है। और कुछ नमकीन हो जाए उसके लिए हल्दीराम की दाल भिजी रख दी है। पराठा वो सॉस के साथ खाती है, क्योंकि जब पराठा लेती है तो सब्ज़ी वो मना कर देती है लेने के लिए, मतलब जब स्टफ़ वाला पराठा होता है। एक्चुअली वो ये सब खाती नहीं है, जितना मैं आइटम देती हूँ इसमें से आधी चीज़ वापस आ जाती है, क्योंकि बच्चों के पास एक टाइम लिमिट होता है लंच करने के लिए, तो जितना वो खा पाती है खा लेती है, नहीं तो सब वापस आ जाता है, क्योंकि बच्चे थोड़ी सी बातें करनी पसंद करते हैं लंच के टाइम पर। जब तक मैंने ये प्रिपरेशन करी है, हर्षिता अभी नहाने के लिए गई हुई है और तो मैं उसकी ड्रेस साइड में रख देती हूँ ताकि वो आने के बाद ड्रेस को पहन लेगी। और आज मैं लंच में बनाऊंगी राजमा चावल, तो हर्षिता को स्कूल भेज दिया है, बस आ गई थी उसकी तो वो बाय बस चली गई है। और राजमा मैंने कल रात को भिगा के रखे थे, इनको बॉयल होने में काफ़ी समय भी लगता है, इनका कुकिंग प्रोसेस बहुत लंबा होता है, तो इनको मैं बॉईल करके रख दूँगी और लंच में इन्हें बना लूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। मैं राजमा की रेसिपी इस वीडियो में शूट नहीं कर रही हूँ, आज हमें कहीं जाना है और हम कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे, वो सब आप इस वीडियो में देखिए। हम लोग थोड़ा सा घूमने आ गए थे तो यहाँ पर हमने स्वीट कॉर्न और गोलगप्पे खाए, दोनों ने ही खाए, और यहाँ के गोलगप्पे बहुत टेस्टी थे और जैसे एकदम स्पाइसी चाहिए होते हैं ना वैसे ही थे, और बहुत ही ज़्यादा पसंद आए मुझे भी, हर्षिता को भी। आप लोगों को गोलगप्पे खाने कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की क्या चीज़ है, क्या फीलिंग्स है जुड़ी हुई गोलगप्पों के साथ। घर आने के बाद कुछ देर टीवी देखे, एंजॉय करे, बातें किए, क्योंकि बाहर से खाए आए थे तो खाना खाने का अब कुछ मूड नहीं था, काफ़ी हैवी हो गया था। इस समय देखिए रात के 11:15 बज चुके हैं, 11:20 का समय हो गया है, और अभी हमारे जो सामने वाला बिल्डिंग है वहाँ पर अभी लाइट्स लगी हुई हैं तो उन्होंने हटाई नहीं है। रात को देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है किचन से देखने में, किचन की खिड़की के सामने ही। और तो खाना नहीं बनाया था, डिनर की कुछ ज़रूरत नहीं थी तो मैंने किचन को ही क्लीन कर दिया, जो बर्तन वगैरह रखे हुए थे वो सब वॉश किया आने के बाद, और स्लैब को, चूल्हे को, गैस स्टोव को, सब चीज़ को साफ़ करके रख दिया। तो जब ये क्लीन किचन रहती है तो कल के लिए अब काम इजी हो गया है, कल सेम रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।